इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कोरोना से जंग जीतने के लिए हुकूमत से लॉकडाउन का फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया। आज एक बार फिर वज़ीर आज़म आवाम से मुखातिब हुए और जल्द लॉकडाउन की वजह से भारत को किस कदर फ़ायदा हुआ बमुकाबिल दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों से, यह आज उन्होंने बताया और आगे बढ़ने की वजह भी बताई जाएगी। पर हकीकत को ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो हालात किस कदर ख़तरनाक होते जा रहे हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आज भी सुर्खियां तबलीगी जमात ही की है, मीडिया नफरत का एजेंडा चला रहा है। हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी को किसी एक मजहब से जोड़ना मुनासिब नहीं है। बेलगाम शहर डीसी पुलिस कमिश्नर ने भी किसी खास मजहब को निशाना बनाने वाले या नफरत आमोज पोस्ट सोशल मीडिया पर शाया किया गया तो सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी गई। बेलगाम डीसीपी मोहतरमा सीमा लाटकर ने बेवजह घरों से बाहर निकलने वालों पर मुकदमे दायर करने का इशारा दिया। कुछ लोग फर्जी शनाख्ती कार्ड यानी आईडी लेकर भी घूमने की बात सामने आई है जिन पर कार्रवाई की जाएगी। बेलगाम जिला में कोई नए पॉजिटिव मामले तो नहीं आए, तकरीबन 180 से भी ज्यादा नेगेटिव टेस्ट हासिल हुए हैं। रियासत में 207 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं तो मैसूर में 5 नए और कुल मिलाकर 10 पॉजिटिव मामलों में इजाफा हुआ है। बेलगाम शहर और अतराफ में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। तकरीबन शहर को चारों तरफ से बंद किया गया है। बेलगाम नॉर्थ में ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है। खड़े बाजार में रखे लॉजिस में से 11 लोगों को रिहा कर होम क्वारंटाइन किया गया है। बेलगाम हलवाई में रखे राजस्थान और मध्य प्रदेश के दो गिरोह में टकराव होने की वजह से एक जख्मी हुआ है। हासिल इत्तला के मुताबिक लॉकडाउन के बाद दिगर रियासतों से जो मजदूर बेलगाम और अतराफ में पाए गए इन्हें हुकूमत की जानिब से रखने का इंतजाम किया गया था। महंतेश नगर हलवाई में जब से इन्हें रखा गया तब से राजस्थान एमपी में कशीदगी पाई जा रही है क्योंकि दोनों रियासत के लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिसमें से कुछ खवातीन और छोटे बच्चे भी हैं। लिहाजा इन पर हुकूमत रोज़ाना 25,000 रुपये खर्चा उठा रही है पर यह इंतजामिया की जानिब से अब मुसीबत साबित हो रही है। सुबह चाय नाश्ता, दोपहर खाना और रात के खाने के वक्त ये दोनों गिरोह मध्य प्रदेश और राजस्थान फिल्म स्टाइल में नफरत देखी जा रही है। लेकिन कल के राजस्थान और मध्य प्रदेश की जंग ने पुलिस के सरदर्द में इजाफा किया हुआ है। शहर म्युनिसिपैलिटी भी इनकी बढ़ती दादागिरी से परेशान है और इन्हें इनके रियासत भेजने की मांग भी की जा रही है। अभी भी लॉकडाउन का फैसला सही था या नहीं पर बहस है। लॉकडाउन को सही ठहराने की कोशिश भाजपा के साथ मीडिया भी कर रही है तो भारतीय मीडिया मोदी के फैसले को इस कदर ठहरा सही ठहरा रही कि अगर दुनिया में 100% किसी देश ने सही फैसला लिया है तो वो है मोदी सरकार ने। अब तक इस पर सुर्खियां भी चलाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में भूखे मजदूरों ने सड़क पर आना शुरू किया। इनका कहना है कि भूख की आग ने हमें सड़कों पर उतर एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है। सूरत कपड़ा मिल के मजदूरों ने सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतर फसाद मचाया, आगजनी भी की। वही पेट में लगी भूख की आग को धारावी में कतार लगाकर खाना हासिल करने पर मजबूर किया। एक तस्वीर यह भी देखी गई कि जहां टीवी एंकर चीख चीख कर तबलीगी जमात को मुल्क में फैले कोरोना वायरस को जिम्मेदार ठहरा रहे थे तो कई मंदिरों में मखसूस पूजा पाठ को लेकर भीड़ नजर आई। ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन पर आस्था भारी हो गई है। वही आवाम की जानिब से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या कोरोना भी सिर्फ किसी खास समाज को ही लग जाता है जबकि सैकड़ों की भीड़ मंदिरों में भी तो नजर आ रही है। खासकर भाजपा के लीडरों को कोरोना से डर भी नहीं लगता और किसी तरह का भी सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम जरूरी नहीं समझा जाता। योगी आदित्यनाथ तो अयोध्या में बिना किसी लॉकडाउन के परवाह किए बिना भीड़ में पूजा पाठ की। तो एक और मामला कर्नाटक के भाजपा की जानिब से ही अंजाम दिया गया। एम जयराम जिन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपने सालगिरह के मौके पर जमा किया। ऐसा लग रहा था कि इन्हें शायद मालूम है कि कोरोना से कुछ नहीं होने वाला, किसी के भी चेहरे पर
मास्क नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि भाजपा ही कितने इत्मीनान से रहते दिखाई देते, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह से मध्य प्रदेश में हुकूमत बनाने वालों के जश्न में भी किसी के चेहरे पर भी मास्क नजर नहीं आ रहा था। क्या वाकई इन्हें कोरोना का डर नहीं है और ना ही इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रहा? क्या सुबह शाम मरकज को लेकर हंगामा करने वाले कभी अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखे? ऐसा सवाल भी मुल्क के अवाम की जानिब से किया जा रहा है। अब देखेंगे कि अवाम ही फैसला करेगी कि किस तरह से इस कोरोना वायरस को लेकर एक सियासत देश में खेली जा रही है। लिहाजा अब हुकूमत की जानिब से इस लॉकडाउन को 30 तारीख तक बढ़ाया गया है। अब देखना यही है कि इसके क्या नतीजे बरामद होते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।